साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज में ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से ही होगा। यानी सरकार की योजनाओं की परख, उनकी पड़ताल इसी आधार पर होनी चाहिए कि उससे गरीब का कितना लाभ होता है। आज मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल जी के जन्म जयंती पर देश के करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को पूरा करने वाली इतनी बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है। घर में बिजली ना होने पर गरीबों और विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जिस तरह की दिक्कत आती है, उसे समझते हुए ही सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। मैंने लाल किले से 1,000 दिन में ये काम पूरा करने के लिए वादा किया था। इन 18,000 गांवों में से अब 3,000 से भी कम गांव ही ऐसे बचे हैं जहां बिजली पहुंचाई जानी बाकी है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इन गांवों में भी तय समय के भीतर भीतर हम बिजली पहुंचा देंगे और पहुंच जाएगी। भाइयों और बहनों, मुझे याद है जब मैंने पहली मीटिंग की ऊर्जा विभाग के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैंने जब जानकारी मांगी तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि साहब ये काम करने में 7 साल लगेगा। मैंने सुन लिया, मैंने कहा कम नहीं हो सकता, वो बिल्कुल उनके दिमाग में था नहीं होगा। मैंने लाल किले से बोल दिया मैं 1,000 दिन में कर दूंगा। और अफसरों का ऐसा है कि अगर आप उनको हिम्मत से आह्वान करें तो वो पूरा भी कर देते हैं, और आज मैं देख रहा हूं उन्होंने कर दिया। भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया में हर गांव तक ही बिजली नहीं पहुंचेगी बल्कि न्यू इंडिया के हर घर में बिजली कनेक्शन भी होगा।